ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जो हमने पहले बनाया था अर्थवान 75 नहीं 45 75 15 25 15 25 15 एंड लास्ट में से इंटर। ठीक है, अब इस पे हम अप्लाई करते हैं पहले लीनियर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड देन यहां पे हमने रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं डायमेंशन बेस लाइन। तो बेस लाइन डायमेंशन के लिए कमांड है dim b इंटर। जैसे ही आप dim बेस इंटर करोगे तुरंत यहां पे बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट कर लें। अब इसके बाद पॉइंट आप डिफाइन करोगे, आगे भी अगर कोई पॉइंट है तो उसको भी आप डिफाइन कर दो, वो भी ले लेगा। इसके बाद अब आपके पास कोई यहां पे वर्टिकल मिरर लाइन तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पे थोड़ी देर के लिए यहां से हम इसके बाद हमने यहां से सिलेक्ट किया डिम बेस एंटर, इसको बाय डिफॉल्ट ले रहा है, एंटर कर दो छोड़ दो। इसके बाद कहेगा सिलेक्ट डायमेंशन सिलेक्ट बेस डायमेंशन, यानी फिर से आप दूसरे को बेस डायमेंशन बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करो बेटा चलो। ठीक है, तो किसी भी को भी कर सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो यहां से सारे डायमेंशन को बदल कर सकते हो। सेम एज डायमेंशन कंटिन्यू है, एक डायमेंशन हमने दे रखा है, दूसरा डायमेंशन हम यहां से दे देते हैं। अब इसके बाद डायमेंशन कंटिन्यू को यूज करेंगे dim continue dim c o n t, नीचे आ गया एंटर, जिसको हमने लास्ट में दिया था उसी को ले लेगा। इसके बाद पॉइंट डिफाइन करो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहीं तक हमें लेना था, एंटर करो। अब इसके बाद यहां से हमें हॉरिजॉन्टली देना है तो इसको हमने सेलेक्ट किया देन पॉइंट। तो बेस पॉइंट को भी क्या सेलेक्ट करेंगे? नहीं बेटा, यहां से डायमेंशन टू कंटिन्यू हमें लेना है, तो कंटिन्यू हम दे रहे हैं तो हमने इस डायमेंशन को कंटिन्यू डायमेंशन बनाया तो इसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं नहीं बेटा, अलग हो सकती है, यहाँ पे तो हमने इक्वल बना दिया है इस वजह से ये इक्वल ले रहा है। देखो यार ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम कोई और पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे देंगे तो ज्यादा डायमेंशन देगा, ये तो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास दो डायमेंशंस होने चाहिए जिसके बीच में हमें स्पेस देना है, डायमेंशन स्पेस के लिए दो डायमेंशन। तो हम एक काम करते हैं, डायमेंशन बेस लाइन का यूज करते हैं, डिम बेस पॉइंट टू पॉइंट। अब यहां से इसके बीच का गैप कितना है? बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है डी इंटर करो, यहां से मॉडिफाई में जाओ, मॉडिफाई से लाइंस और यहां से बेस लाइन देखो कहीं ले रहा है बेस लाइन स्पेस। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट डायमेंशन इस डायमेंशन से इस डायमेंशन के बीच का जो डायमेंशन आ रहा है वो 3.75 की गैप है। ठीक है, आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो 5, 6, 7, 8 जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे दो। तो आपको करना क्या है, क्लोज करो इसको, डी आई एम एस पी एंटर, बेस ये है हमारा एंटर।
बेस, इसके बाद दूसरा ये है स्पेस के लिए, एंटर करो, अब वैल्यू दे दो, वैल्यू हमने दे दिया 5। इसके बाद कह रहा है सिलेक्ट बेस डायमेंशन, अब बेस डायमेंशन हमारा ये है, स्पेस के लिए इस डायमेंशन को हमें यूज करना है, एंटर वैल्यू 5। सर तो बार बार देनी पड़ेगी इसको? हाँ, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें नहीं देना है, पहले से सेट करके रखना चाहते हैं, तो डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, वहां से बेस लाइन स्पेसिंग जो गैप ऑप्शन था वहां पे हम पहले से ही 5 डिफाइन कर देंगे, देन उसके बाद आएंगे तो चेंज करेंगे, यही होता है। ठीक है, कुछ नहीं, आपको जानना है इसके बीच का गैप कितना है, तो जैसे हम लीनियर करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं बेटा, वैसे ही करना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे डिफाइन करो, यहाँ पे बता देगा कितना गैप है। आगे चले, नेक्स्ट कमांड क्या? क्विक डायमेंशन। तो क्विक डायमेंशन में इतना यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, इस लाइन से इस लाइन के बीच का डायमेंशन, इस लाइन से इस लाइन के बीच का डायमेंशन, और इससे इसके बीच का डायमेंशन आपको एक बार में रखना है, जस्ट क्यू डी आई एम एंटर करो, और उसके बाद सारी लाइंस को वन बाई वन करके सेलेक्ट कर लो, एंटर। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन ब्रेक, यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था 20 लेंथ का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 5 रेडियस का। ठीक, अब इसमें डायमेंशन जो दिया गया था फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट का डायमेंशन, और ये डायमेंशन लाइन आपके इस ऑब्जेक्ट को काट रही है। ठीक है, तो जब इस ऑब्जेक्ट को काट रही है तो ऐसी कंडीशन में हम इस डायमेंशन लाइन को ब्रेक कर देंगे, तो डी आई एम डी आर एंटर सेलेक्ट कर लो और एंटर करो, स्पेस स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी। सर जो लाइन ब्रेक हो रही है उसके बीच के भी स्पेस कम करने के लिए है। हाँ, डी एंटर करो, मॉडिफाई में जाओ, डायमेंशन ब्रेक ये रहा 3.75, अब चेंज करना चाहते हो 1, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। नहीं, डायरेक्टली नहीं है इसके लिए, अब सीधा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डायमेंशन एडिट, कमांड मिल करो डायमेंशन एडिट का, डी ई डी, आगे देखो, जैसे आप डायमेंशन एडिट कमांड यूज करोगे तुरंत यहां पे ऑप्शन आएगा एंटर टाइप ऑफ डायमेंशन एडिटिंग, होम न्यू रोटेट ऑब्लिक। ठीक है, तो अभी होम को हम छोड़ते हैं, न्यू न्यू पे चलते हैं। न्यू मीन्स ये है कि ये जो आपने 25 की डायमेंशन दे के लाइन बनाई है, आप इसका डायमेंशन 25 ना देके कुछ और देना चाहते हो। ठीक है, यानी आप इसको शो करना चाहते हो 625 लाइन में चेंज। ठीक, तो बस ये टेक्स्ट को चेंज कर देगा। न्यू के लिए एन एंटर किया हमने, कहेगा एंटर न्यू वैल्यू, ये जीरो जो है ये जीरो 25 है, अगर आप इसको हटाओगे तभी ये हटेगा, अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो ऐसी कंडीशन में जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे यहाँ पर वो वैल्यू वहां पे आगे पुट हो जाएगा। 6 हमने एंटर किया, क्लोज किया, इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया 625। लाइन की डायमेंशन में कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी, लाइन की डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, नहीं लाइन की डायमेंशन कोई चेंज नहीं होगा, बस टेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ है वही चेंज होगा। ठीक है सर, पूरा टेक्स्ट चेंज करना हो, पूरा चेंज करना हो तो जीरो हटा दो, डायमेंशन एडिट में जाओ,
न्यू के लिए एन एंटर करो, ये जो जीरो है आप इसको बैक स्पेस से हटा दो और यहां से जो भी आप लिखना चाहते हो 35, यहां से आपने क्लोज किया और इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। सर ये तो जिंजर में करते हैं, जिगजैग में भी नहीं करते। जिगजैग में आपके पास कोई एक आर्क है, ठीक है। अब इस आर्क का डायमेंशन आपको शो करना है विदाउट सेंटर पॉइंट की हेल्प के, सेंटर आप चेंज करना चाहते हो, देन आप यहां पे जाओगे, जॉब सेलेक्ट किया, कहीं पे भी सेंटर डिफाइन कर दिया, यहां पे रख दिया। अब इसके बाद इसके ये सर जो आपने बताया कि इसे बहुत लंबी लाइन है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वहां पे जॉब लीनियर, वो केवल जॉब की लोकेशन देता था, जॉब का कुछ नहीं, बस जॉब, ये जो जॉब बना हुआ है ना ये उसी के लिए है कि जब सर्कल हमारी बहुत बड़ी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में पेपर पे हम शो नहीं कर पाते हैं उसका सेंटर पॉइंट, जब शो सेंटर पॉइंट शो नहीं कर पाते हैं तो सेंटर पॉइंट चेंज करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर एडिट, अभी डायमेंशन एडिट में डी ई डी इंटर, नेक्स्ट है रोटेट, आप इस टेक्स्ट को रोटेट कर देना चाहते हो तो रोटेट के लिए आर एंटर करो, न्यू एंगल मांग रहा है फॉर डायमेंशन टेक्स्ट, तो हम यहां से दे रहे हैं 30 डिग्री, सिलेक्ट करो, एंटर करो, ठीक है। इसके बाद है ऑब्लिक, ऑब्लिक में एक्सटेंशन लाइन की एंगल को चेंज कर देगा, ठीक है। तो डी ई डी इंटर, यहां से ऑप्शन आ रहा है ऑब्लिक, ऑब्लिक के लिए ओ इंटर, और उसके बाद कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, इंटर ऑब्लिक एंगल, हमने यहां से दे दिया 40, काफी दूर दे दिया, बट ये है कि अब इसको अगर फिर से वापस लेके जाना है तो ऑब्लिक एंगल चेंज कर दो, डी ई डी इंटर, ऑब्लिक एंगल के लिए ओ इंटर, देन सिलेक्ट किया हमने और ऑब्लिक एंगल को जीरो कर दिया। और टेक्स्ट को अगर सही करना है तो टेक्स्ट को सही करने के लिए आप बस होम, जो आपको ऑप्शन आ रहा था होम, डी डी इंटर करने के बाद होम का ऑप्शन आ रहा है, तो आप बस होम के लिए एच इंटर करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर कर दो, नहीं सब नहीं चाहिए, केवल रोटेट का जो ऑप्शन है वही सही करो, ठीक है, बाकी वही चेंजेस। और सर जो इसकी एंगल था वो कुछ चेंज नहीं होगा, वो ऑब्लिक एंगल से चेंज कर देंगे। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें यह है कि आप ऑब्जेक्ट कितनी भी लेंथ का बना दो, बस इस पे डबल टाइम क्लिक करो, एडिट का ऑप्शन आएगा, आप उसको चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज इट 5। सो दिस एप्लीकेशन क्या है सर, जो हम इनपुट टैरिफ के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, पांच वेरिएबल को नहीं, ऐसा है, इसी के जस्ट बाद हम कमांड पढ़ने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक कांस्टेंट, पैरामेट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, लाइन की लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, लेकिन वो प्रिंट आउट में काम नहीं आता, प्रिंट आउट में जो काम आएगा वो यही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमांड मल्टी लीडर,